अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए उसमें ये मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है और ये मैंने दूध ले लिया है, इसे मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने 1 कप दूध लिया है और ये मैंने तुख मलंग ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच और इसे मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। तो आए चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने 1 गिलास ले लिया है। अब मैं दूध को इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाल दूँगी हसबे ज़रूरत। अब ये देखें, ये मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर तुख मलंग डाल देंगे। आपको जितना डालना है आप इतना डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डालूँगी। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब्स भी, ये आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा तैयार है और ये रोज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि तुख मलंगे भी ठंडे होते हैं, तो इसलिए ये रोज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।